देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड एलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का फूका पुतला। शहर के छत्रसाल चौराहे पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए सिलेंडर लेकर महंगाई का विरोध किया। NSUI के छात्र नेता आदर्श रावत के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, लगातार महंगाई बढ़ रही, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, लेकिन सरकार नींद में सो रही, जिससे आम लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से छात्रों को किराया भी अधिक देना पड़ता है, जिससे परेशानी हो रही। उन्होंने महंगाई कम करने की मांग की। आज हम लोगों ने शिवराज सरकार और मोदी सरकार, जो गूंगी बहरी अंधी बहरी सरकार बैठी है केंद्र में और राज्य में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर NSUI ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं। हमारा छात्र संगठन है NSUI, छात्रों को पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, डीजल की भी ज़रूरत पड़ती है। कई छात्र गाँव से आते हैं कॉलेज में पढ़ने, स्कूलों में पढ़ने, तो उन पेट्रोल डीजल के बढ़ने से उनका किराया बढ़ा दिया गया है। तो हम चाहते हैं या तो कलेक्टर साहब उन छात्रों के लिए पास बनवाएं और उनका किराया कम किया जाए। जो अंधी बहरी सरकार सुन रही है, जिसने बोला था कि हम गरीबों के हित में काम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, रसोई गैस सब बोलते थे, चाय वाला प्रधानमंत्री बना है तो सब कुछ सस्ता होगा। नरेंद्र मोदी ने एक चाय वाले को भी गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम नरेंद्र मोदी चाय वाले थे तो गैस सिलेंडर के दाम तो कम कर देते। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजती थी जब पेट्रोल 300-400 रुपये होता था? कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो रोड पर आकर प्रदर्शन कर दी थी? कहाँ गए वो नरेंद्र मोदी? कहाँ गए वो शिवराज सिंह जो दिल्ली में घूमते थे साइकिल से, जब पेट्रोल 67-68 रुपये का होता था? क्या स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी हैं या फिर शिवराज सिंह ने साइकिल बेच दी है? हम उनसे कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, शर्म कीजिए, और शर्म नहीं कीजिए तो डूब मरिए, क्योंकि आपके सरकार, आपने इतिहास लिखा है महंगाई का। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो छात्र परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, युवा परेशान हो रहे हैं। एक तरफ तो आप बेरोजगारी का इतना बड़ा वो कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है, ऊपर से महंगाई उनके बिल्कुल प्राण निकालने के लिए वो है। तो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, शर्म कीजिए वरना कुर्सी छोड़िए।